राम नाम के दो अक्षरों में ही पूरी रामायण और पूरा शास्त्र है। यही नहीं, इस नाम की महिमा भगवान शिव से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती हैं। तो क्या शिव जी भी राम नाम के अधीन आते हैं? तो शिव जी ने हनुमान का अवतार लेकर चिरायु तक राम नाम का ही जप कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। तो ऐसे में अगर हम बात करें प्रभु श्री राम के नाम की, तो उनका नाम लिखना बोलना ही आपको भवसागर से पार कर देता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो इस कलयुग में अगर जो नाम इस वक्त सबसे ज़्यादा पवित्र है, तो वो श्री राम का ही नाम है, जो आपको हर तापों से मुक्त करता है। तो तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में भगवान राम की क्या महिमा बताई है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाएं और अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अब इसका अर्थ क्या है, यानी कि राम नाम एक ऐसी महा औषधि है जो सच्चे हृदय से अगर खाते हैं या सच्चे हृदय से उसका जाप करते हैं तो आधी व्याधि तो दूर होती ही है, लेकिन मन को शांति भी मिलती है। तो आज के समय में राम नाम कहने का क्या अर्थ है? देखिए, एक बार अगर राम कहा तो वो हो गया है संबोधन, दो बार राम कहा तो वो हो गई आपकी अभिवादन, यानी कि राम राम जी। ऐसे आपने सुना होगा राम राम जी कहते हुए लोगों को। अगर हमने यही नाम तीन बार ले लिया तो संवेदना हो गई कि राम राम राम, ये क्या हो गया। अगर चार बार राम का नाम भज लिया तो वो भजन हो गया हमारे लिए। वैसे मैंने कई बार सुना है कि वाल्मीकि जी ने उल्टा राम का नाम जपा, तो इसके पीछे का क्या तथ्य है? देखिए, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेई प्रिय संग भवानी। अब इसका तात्पर्य क्या है? दरअसल श्री वाल्मीकि जी श्री राम का उल्टा नाम जाप का करके ही उन्होंने, मतलब उनको नाम का प्रभाव मालूम था और इसी वजह से वो उन्होंने उल्टा नाम जप कर भी खुद को पवित्र कर लिया। तो इसके पीछे कहानी है जो मैं आपको संक्षेप में ही सुनाती हूँ कि श्री वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर डाकू हुआ करते थे और वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए लूटपाट करते थे। तो एक बार नारद मुनि उनसे मिले और उन्होंने कहा कि ये जो तुम पाप कर रहे हो तो क्या उसमें तुम्हारा परिवार भागीदार होगा? तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। वो जाते हैं, पूछ कर आते हैं तो परिवार वाले मना कर देते हैं कि हम आपके इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। इसके बाद जब वो वापस आते हैं, नारद मुनि से मिलते हैं और कहते हैं कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और मेरा परिवार भी इसका भागीदार नहीं बन रहा है, मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। तब नारद मुनि उन्हें भक्ति का उपदेश देकर श्री राम नाम का जप करने के लिए कहते हैं। वाल्मीकि जी राम नाम जप कर ही नहीं पाते क्योंकि उनका पाप इतना भारी होता है उन पर कि वो राम नाम का जप करने की कोशिश करते हैं पर उनके नाम से, उनके मुँह से राम नाम नहीं निकलता। इसके बाद नारद मुनि ने कहते हैं कि ठीक है, तो तुम मरा मरा जपो। अब मरा मरा जब वो जाप करते हैं लगातार, वो एक स्थान पर बैठते हैं और मरा मरा जप करना शुरू कर देते हैं। वो मरा मरा जप करते करते उनके शरीर में दीमक घर कर लेता है, मतलब दीमक उनके शरीर में पहाड़ की तरह बन लेता है, बन जाता है। तो जब दीमक उनके दीमक के जो घर होते हैं उनको वाल्मीकि कहते हैं और इसी से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और कहीं ना कहीं मरा मरा जप करते करते ही वो राम नाम जप करने लगे और अब तो आप हम सब जानते हैं कि उन्होंने महाकाव्य की रचना की, रामायण की। तो इस तरह से कैसे एक रत्नाकर डाकू को किस तरह से वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बनाया गया सिर्फ एक राम नाम के आधार पर, तो ये सिर्फ महिमा ही है श्री राम की। आज के समय में कलयुग चल रहा है और ऐसे में भगवान राम का नाम लेने का क्या अर्थ है? देखिए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मैं एक बात सबको बता दूं, जितने भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि कलयुग है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब कलयुगी हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अब सबको सुन के अटपटा लगेगा कि कलयुगी होना अच्छी बात कैसे है। तो जिस तरह से पहले के वक्त की अगर हम बात करें, सतयुग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, तो ऋषि मुनि घोर घोर तपस्या करने के बाद जाकर उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता था और भगवान के दर्शन प्राप्त होते थे। लेकिन आज के वक्त में भगवान भी थोड़ा जल्दी सुन लेते हैं हमारी, जल्दी सुन भी लेते हैं, हमारी इच्छाएँ भी जल्दी पूरी कर देते हैं। और इसी वजह से मैं मानती हूँ कि कलयुगी होना कहीं ना कहीं हमें भगवान के ज़्यादा करीब लेकर आ रहा है, क्योंकि वो हम पे कृपा थोड़ी जल्दी कर देते हैं। तो अगर दिन भर में भी भगवान श्री राम के नाम हम जप करते रहें, चलते फिरते उनका नाम बोलते रहें, तो कहीं ना कहीं हम अपने सारे पापों को यूं ही मिटा देंगे। तो भाई, मुझे तो राम नाम की महिमा पता चल गई। आप भी कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।